हेलो, नमस्कार। बच्चों को संस्कार दें ताकि उन्हें कार ना देनी पड़े। जी हाँ, अगर हम बच्चों को कार देने में विश्वास रखते हैं, अगर हमने संस्कार नहीं दिए तो कोई फायदा नहीं। अगर हमने बच्चों को संस्कार दे दिए तो उसे कार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं हूँ राजेंद्र जोधपुरिया और आपका आज के मोटिवेशनल वीडियो टिप्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो है पेरेंटिंग के हवाले से। जी हाँ, हम बच्चों को आखिर देते क्या है। जी हाँ, हमारी कोशिश अगर ये है कि बच्चों को जितनी हो सके उतनी हम सुख सुविधाएं दें, उनके लिए वो सारी चीजें, तमाम दुनिया के सुख उनकी झोली में डाल दें। जी हाँ, एक अच्छे माँ बाप का ये फर्ज बनता है और वो सोचता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, बच्चों की खुशियों के लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊं, दुनिया की जो भी खूबसूरत चीज है वो बच्चों के लिए मैं गेन करूं या बच्चों के लिए प्राप्त करूं। जी हाँ, क्या ये कोशिश अच्छी है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी हाँ, इसमें एक जो बात है वो बात ये है कि अगर हमने बच्चों को तमाम सुख सुविधाएं दी, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तो बच्चों के करने के लिए बचेगा क्या? बच्चे उस चीज को तबाह कर देंगे जिस चीज को हम बना रहे हैं। जी हाँ, जिन बच्चों को विरासत में ऐशो आराम की चीजें, धन दौलत, प्रॉपर्टीज मिलती है, वो बच्चे उसे तबाह कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बच्चे ने प्राप्त करना चीजों को सीखा नहीं, उसने अधिकार जमाना ही सीखा है। कहा जाता है कि आप किसी को मछली पकड़ कर देते हैं तो उसकी एक दिन की भूख मिटा देते हैं। अगर आप उसे मछली पकड़ने की कला दे देते हैं तो उसके जीवन भर की भूख मिटा देते हैं। इसी प्रकार बच्चों को कला देना, स्किल देना, संस्कार देना उसके जीवन की भूख मिटा देने बराबर है। अगर हमने ऐसो आराम की चीजें दी, सुख सुविधाएं दी, तो ये कुछ दिनों के लिए ही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो इसे तबाह भी कर दे, इसे बर्बाद भी कर दे। तो एक पेरेंट्स के हवाले से हमने बच्चों को वो स्किल, वो नॉलेज, वो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, वो जिम्मेवारी का एहसास देना होगा, ना कि उसकी हर ख्वाहिश के लिए आसमान को कदमों में रख देना। जी हाँ, माँ बाप बच्चों की इच्छा पूरी करते करते सारी जिंदगी गुजार देते हैं और अंत में एक शिकायत रह जाती है कि हमने बच्चों के लिए सब कुछ किया लेकिन बच्चों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, इसमें दोष बच्चों का नहीं, इसमें दोष उनकी इच्छाओं को पूरा करने वालों का है। क्योंकि अगर उन्होंने इच्छा पूर्ति की बजाय उनको वो स्किल, कला, तमाम दुनिया की जो स्किल्स हैं उसके सामने वो रखी होती, उसे चुनने की आजादी दी होती कि जीवन तेरा है और तुझे जो स्किल है वो सबसे ज्यादा काम आएगी, ना कि तुझे मेरे द्वारा दी गई सुख या ऐसो आराम की चीजें। तो आज इस वीडियो का संदेश यही कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने की बजाय उन्हें वो स्किल दें, उन्हें कला दें, ताकि वो समाज में एक सफल, एक रेपुटेटेड इंसान बन सके, एक जिम्मेवार नागरिक वो बन सके। आपने इस वीडियो को कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।